हेलो एवरीवन, आज हम एन फ्रैंक की डायरी के पन्ने इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो वास्तव में एन फ्रैंक की डायरी में उनका व्यक्तिगत जीवन ही नहीं अपितु 60 लाख यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों की यह एक जीवंत कहानी है। जीवंत कहानी का तात्पर्य है कि आप जब यह कहानी पढ़ेंगे तो आपके सामने उनकी घटनाएँ बिल्कुल आने लग जाएंगी आँखों के सामने। यह लड़की ना तो संत है और ना कवि है, अपितु भूमिगत परिवार की एक सदस्य है जिसमें असाधारणता के कोई लक्षण नहीं हैं, यानी कि यह बिल्कुल साधारण एक लड़की है। और इसके बाद भी यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज़ है। दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ था तो हिटलर ने यहूदियों को जिस तरह यातनाएं देकर भूमिगत जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी कि भूमि के भीतर वो लोग रहते थे, और उसी का चित्रण किया है यहाँ पर छोटी लड़की लेखिका ने। उनके डर का आलम यह था कि ये लोग सूटकेस लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकते थे, लूट हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, और भूमिगत जो इनके आवास थे, भूमि के भीतर इनके आवास थे, उनमें दिन का सूर्य और रात का चंद्रमा देखना भी इन्हें वर्जित था, अलाउड नहीं था। ब्लैकआउट वाले पर्दे लगे कमरों में दिन और रात बिताने होते थे, और इन लोगों के सामने राशन की भी काफ़ी कमी रहती थी, बिजली का भी कोटा था, यानी केवल कुछ समय के लिए इन्हें बिजली मिलती थी। उनके लिए अपने सामान की रक्षा करना काफ़ी कठिन कार्य था। ये लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पीटे जूतों से काम चलाते थे, और इन्हें युद्ध का अत्यंत भय लगता रहता था। और यह कहा जा सकता है कि यह केवल एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि 60 लाख लोगों की कहानी है। एन फ्रैंक 8 सदस्यों के समूह में सबसे छोटी उम्र की है, यानी कि वह जो उनके घर में 8 लोग रहते थे उसमें सबसे कम उम्र की लड़की है, और मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल प्रायः उसके विषय में नुक्ताचीनी करते रहते हैं, और एन को भी उनसे नफरत है। उसकी मम्मी जो है उसके लिए केवल उपदेश देने का कार्य करती रहती है, हमेशा टोका टोकी करते रहते हैं। और इन 7 सदस्यों में से पीटर से उसकी पटरी बैठती है, किंतु पीटर से बातचीत करना एन को इतना आसान नहीं लगता है। अब उसके सामने समस्या यह आती है कि भाई एक भूमिगत आवास में वह क्या करे, क्योंकि वह बिल्कुल बंद हो गई है उसमें, और वह प्रकृति को देखना चाहती है लेकिन वह देख नहीं पाती है, क्योंकि इसके लिए वह निषिद्ध है, मना है कि वह बाहर नहीं जा सकती है। और अपनी भावनाएँ किसे कहे, किसे बताए, क्योंकि जो 7 वाले लोग हैं गंभीरता से कोई समझे भी नहीं गा। इसलिए वह एक तरीका अपनाती है और यह डायरी लिखना शुरू कर देती है। फिर वह डायरी में ही बताती है कि पुरुष अपनी शारीरिक क्षमता के कारण नारियों पर शासन करते हैं, और वह कहती है कि नारियों को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। नारी जो बच्चे उत्पन्न करने के समय पीड़ा सहन करती है वह युद्ध लड़ने वाले सैनिक से कम नहीं है। और फिर वह बताती है कि किस तरह से खुद की बेवकूफ़ी के कारण उसे उपेक्षा और असम्मान सहन करना पड़ता है, यानी महिलाओं को ऐसा करना पड़ता है, और उनके हिस्से का सम्मान उन्हें नहीं मिलता है। एन यह तो नहीं कहती है कि औरतों को बच्चे जन्मना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि औरतें यह कार्य करती रहें। वह समाज में खूबसूरत और सुंदर औरतों के योगदान को बहुत महान मानती है, और वह यह भी मानती है कि आने वाली शताब्दी में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आएगा और उसे भी अपना हक और उसका सम्मान मिल जाएगा। युद्धकाल में सेंधमारों के कारण काफ़ी जीवन जो था वह कष्टमय हो गया था, और उसी के बारे में वह लिखती है कि डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कार और बाइक चोरी हो जाएंगी। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है
कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है, सब रिवाज ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 वर्ष के होंगे और वो लोगों के घरों में खिड़कियां तोड़ करके घुस जाते हैं, जो भी हाथ लगा उसे उठाकर ले जाते हैं। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर नहीं छोड़ने की हिम्मत कर सकते, अगर ऐसा करेंगे तो उन्हें बिल्कुल चोरी हुई मिलेगी। चोरी किए गए टाइपराइटर हैं, कुछ कालीन, बिजली से चलने वाली घड़ियां, कपड़े सभी चुरा लिए जाते हैं और इन सभी के आए दिन अखबारों में विज्ञापन देखने को मिलते हैं। हर गली नुक्कड़ पर बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार करके ले गए और सार्वजनिक टेलीफोन जो हैं उनके सभी पुर्जे गायब हो चुके हैं। सेंध मारों में इतना दुस्साहस है कि मालिक के जागने पर भाग जाते हैं और तनिक सा हटते ही फिर से आ जाते हैं। गोदाम में सेंधमारी करते समय पुलिस के आने की आवाज़ के कारण तो भाग गए, किंतु जैसे ही गेट बंद किया वापस आ गए और फिर जब उन्होंने कुल्हाड़ी से प्रहार किया तभी भागे। इस तरह से जो है उस समय का इसमें वर्णन करती है कि कितनी बुरी स्थिति थी यहूदियों की, और डायरी रूप में इसे लिखा गया है। उन पर जो अत्याचार हुए, हिटलर के क्रूर आदेशों के कारण यहूदियों को आतंकित किया गया, उन्हें डराया गया, कुचला गया और लाखों नागरिकों को यातनाएं दे दे करके मार दिया गया, और यही दिखाना इस डायरी का उद्देश्य है। इसे पढ़ के हमारे मन में एक बात यह भी आती है कि युद्ध और कट्टर जातिवाद कितना भयानक होता है। जातीय अहंकार के कारण कोई शासक बिल्कुल पशु हो जाता है और अपने विरोधियों को कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल देना चाहता है। वे अपने विरोधियों के विरोध को सहन करना तो दूर, उन्हें जीवित रहते भी नहीं देखना चाहता। और यही दशा जो थी 60 लाख लोगों की हुई थी जो यहूदी थे। और यहाँ पर बात करें मिस्टर डसेल की, तो वो अधेड़ उम्र के हैं, सन की हैं, जकी हैं, और जर्मन लोग यहूदियों से घृणा करते थे, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दिया करते थे। और वहाँ पर युद्ध की स्थिति ऐसी थी कि युद्ध के दौरान आम जनजीवन पूरी तरह से बिखर चुका था। भयंकर गोलाबारी से इमारतें कांपने लग जाती थी। इसी तरह से एक घटना जो है उसमें एन की पूरी दुनिया जो है उलट पुलट गई। 8 जुलाई 1942 को इनके घर पे एक संदेश आया कि उसकी बहन मार्गरेट को ASS से बुलावा आया है, और इसका तात्पर्य था कि यातना शिविर में बुलाया जाना और उसे जर्मन सेना के रहम करम पर छोड़ देना। इसके लिए इनके माता पिता बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने तुरंत भूमिगत होने का मन बना लिया, और इस तरह से एक उनकी जीवन धारा अचानक से पलट गई और उन पर एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई थी। हिटलर और उसके सैनिकों की जो बात उस समय रेडियो पर प्रसारित की जाती थी उसमें युद्ध में घायल हुए सैनिकों का हालचाल बताया जाता था, और हिटलर घायल सैनिकों से उनका हालचाल पूछते थे। वे उनके युद्ध स्थल का नाम पूछते थे और घायल होने का कारण भी उनसे पूछा।